अपने जिले की हर एक खबर से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हजारिया टाइम्स को। ललितपुर पुलिस ने एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री से 4 अदद देसी तमंचा, नाजायज 315 बोल निर्मित व 2 अदद तमंचा अर्धनिर्मित शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। जनपद में पुलिस अधीक्षक कैप्टन MMB के निर्देशन में तालबेहट CO बाढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक अंजनी कुमार सिंह के नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बाढ़ पुलिस द्वारा एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर एक युवक को गिरफ्तार किया गया तथा उसके पास से 4 अदद देसी तमंचा, नाजायज निर्मित 315 बोर व 2 अदद तमंचा अर्धनिर्मित व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्त में बहादुर सिंह पुत्र महूम सिंह निवासी ग्राम बड़ौदा डांग थाना बाढ़ जनपद ललितपुर शस्त्र व शस्त्र बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया है। ललितपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। ललितपुर में अपराध और अपराधियों के ऊपर लगातार अंकुश लगाने की कार्रवाई चल रही है। इसी क्रम में थाना बाढ़ में एक सूचना मिली कि एक स्थान पर एक व्यक्ति के द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री जो है वो चलाई जा रही है। वहाँ पर रेड कराई गई तो एक व्यक्ति बहादुर सिंह गिरफ्तार किया गया। उसके पास से वहीं पे निर्जन स्थान पे 4 बने हुए तमंचे और 2 अधबने तमंचे और जो बनाने की फैक्ट्री का सामान होता है वो सारी चीज़ें बरामद हुई। उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। बैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेजा है। जिस टीम ने ये कार्रवाई अच्छी करी है उसको सावधान के लिए 15,000 रुपये के इनाम दिया जा रहा है।